हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। ये देखो, वो जो मैं कल इयररिंग्स लाई थी, ये मैंने वेयर किए हैं। एक ऊपर डाल लिया, एक नीचे डाल लिया, क्योंकि मुझे ऊपर वाला कान मेरा बंद पड़ा है ना, इसके लिए। और ये देख लो, अंदर येलो, नीचे ब्लैक, और ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है येलो और ब्लैक का। ये भी कोट में जो कल लाई थी, वही वाला पहन लिया मैंने। कैसी लग रही हूँ? मैंने देखा आजकल ना न्यू फैशन चला यही वाला कि कोट पहन लो और बाल अंदर कर लो और लुक कुछ इस हिसाब से आएगा, जैसे छोटे बाल कटे हुए होते हैं ना, वही वाला ब्लंक कट बाल वाला। तो कैसी लग रही हूँ मैं? मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट फिर से शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे वो सब यहाँ पे नहीं मिला। मतलब मैं वहीं से जाके देखूंगी, क्योंकि मैं सरोजनी नगर और लाजपत नगर से ही मेन जो शॉपिंग होती है वो करती हूँ। तो इसके लिए मैं मेन शॉपिंग करने जा रही हूँ अपनी। दिखाऊंगी आपको वहां पे क्या क्या वैरायटीज है, आपको दिखा दूंगी। आ गई हूँ मैं नीचे और वेट कर रही हूँ मैं उबर का। कैब अभी आई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। जब भी हम लोग नीचे आ जाते तो हमें कैब का इसी तरीके से वेट करना पड़ता है। देखो, अभी मैंने दो तीन पिक्चर्स भी क्लिक कराई हैं अपनी। अच्छी अच्छी धूप हो रही है ना, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा है, लिटिल बिट लग भी रहा है मुझको थोड़ा थोड़ा मुंह पे। अब मुंह ही ढक लूंगी तो फिर दिखाई क्या देगा। तो ये देख लो, मेरी सोसाइटी भी देख लो साथ में। तो बस जल्दी से कैब आ जाए। बैठ गए उबर में, उबर मिल गई है। देखो ये है धूप जो बहुत अच्छी लग रही है। ठंड में तो धूप बहुत अच्छी लगती है। आ गई हूँ मैं सरोजनी नगर मार्केट और कुछ खा लूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, बस वही मेरा हिसाब है। बहुत तेज भूखी हूँ मैं, नाश्ता किया हुआ है। ये आ गया मेरा डोसा, लाइट लाइट खाना खाऊंगी। ये देखो यहाँ पे कितना कितना अच्छा कलेक्शन है डियोर के पर्सेस का। इनके प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं। असली वाला डियोर यही वाला 1 लाख का है जो मैं देख के आई थी, और यहाँ पे ये 1100 का है। सरोजनी नगर से आके ले ही ये पर्स, मैंने तो एक ले लिया अपने लिए। देखो कितने अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं। सुखी चाल लगा दूंगा मैंने। शॉपिंग हो गई है मेरी और मैं बहुत थक गई हूँ घूम घूम के। मतलब पूरा ऐसे मार्केट घूम लिया, क्राउड बहुत है, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं तो स्वेटर्स वगैरह की मतलब क्वालिटी भी अच्छी है और पैसे भी अच्छे हैं, तो इसके लिए बहुत भीड़ है यहाँ पे। बस हम लोग तो अभी कैब का वेट कर रहे हैं, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से अपने घर के लिए। आ गई हूँ भाई रूम पे, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। ये सब सारा सामान है, देखना थैला भी फट गया आते आते। मतलब 100 रुपये का इस पागल ने ले लिया थैला है, जो 40 रुपये का बिकता है। क्या बोलूँ अभी मैं, अंग्रेज की औलाद ही है। मेरे पीछे से थैला ले लिया कि सामान ना पकड़ना पड़े इतना। सबसे प्यारा ये है, देखो कितना प्यारा है ना, छोटा सा पग 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 पग, मुझे बड़े अच्छे लगते। ये इतनी क्यूट है बट ये ढंग से नहीं बैठ रही है। और मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगी कि ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी हालत क्या है, मेरी खांसी जो जानी रही है 1.5 हफ्ते से। तो ठंड बहुत है और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब अभी मैं नीचे थी, ग्रॉसरी में से थोड़ा सा बहुत सामान लेना था, तो इतनी ठंड थी, मतलब ग्रॉसरी के अंदर खड़ा हुआ जा रहा था, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बी सेफ और अपने घर में जाए, बाहर निकले तो रजाई गद्दे लेके जाए। ये मैं ले आई हूँ रेडीमेड पॉपकॉर्न, बन रहे हैं, पट 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 बोले जा रहा है। ये लो भाई, ये हो गए हैं पॉपकॉर्न रेडी। उस तो देखो मेरी नन्नी के कपड़े भी लेके आई हूँ मैं। देखो नाइट सूट है ये, इसके साथ ये बिब भी है, टोपा भी है, और इसकी सबसे प्यारी खासियत है इसके साथ दो ये पजामे हैं, देखना। मतलब एक ये नॉर्मल पजामा है और एक है ये सॉक्स वाला पजामा, देखो। मतलब रात को गरम गरम में नन्नी सो जाएगी, देखो अटैच है इसमें ये मोज़ा ना, मोज़े अलग से पहनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ये वाला लेके आई हूँ और ये मैं भिजवा रही हूँ स्विगी से घर पे अपने।
मैं तो अभी जाऊंगी नहीं, क्योंकि ना बहुत अंधेरा हो जाता है और रात भी बहुत हो गई है, 11 बजे है। तो स्विगी वाला आ रहा है, बस उससे भिजवा रही है। देखना टोपे भी हैं इसके साथ, कैसे लगे? अन्नो के नाइट सूट हैं ये दो, बढ़िया है ना। तो अनाया के कपड़े मैंने भेज दिए हैं, और मैंने इसलिए भेज दिए कि मेरा बच्चा ना नाइट सूट पहन के सो जाएगा। मैं अभी नहीं गई, मैं सुबह जाऊंगी, क्योंकि मुझे मम्मा के साथ कहीं और भी जाना है, काम है कुछ कल, तो इसके लिए मैंने भेज दिए। अब मैं देखूंगी कैसी लगेगी वो। चलो प्रॉन बनाने चलते हैं, मैं प्रॉन बनाने जा रही हूँ, गार्लिक ब्लैक पेपर लेमन। तो ये देख लो, जल गया, ये जला दिया मैंने इसको, कम कर लो इसका। ये देखो हींग, अजवाइन, जीरा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ही देखो प्याज कट कर लिया मैंने, एक मोटा वाला बड़ा वाला प्याज लेके आई थी। ये है छोटे वाले प्रॉन, इनको भी वॉश करूंगी मैं, क्योंकि ना यहाँ पे बर्तन कम है इसके लिए। और ये मैंने मशरूम कट करके रख लिए हैं, इनका भी आज यूज ही कर लेते हैं। ये देखो मैंने ना गरम गरम तेल में प्याज डाल दी थी, उसके बाद मशरूम डाल दिए, क्योंकि मशरूम गलने में टाइम लेते हैं इसके लिए। वैसे तो मशरूम सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उसी दिन लेके आई थी, अभी तक तो ये सॉफ्ट हो गया बेचारे फ्रिज में रखे रखे, बट ये पक जाएगा ना। ये मैंने प्रॉन धो लिए हैं, छोटे वाले प्रॉन ही हैं ये लो। अब हम इसमें डाल देते हैं प्रॉन। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, अभी ग्रीन चिल्ली डाल दिए। ये देखो प्रॉन का कलर चेंज होने लग गया है, क्योंकि प्रॉन पक रहे हैं, मशरूम ऑलरेडी पक चुके हैं। इसको जितना हीट दूंगी उतना अच्छा है, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और ये देखो प्रॉन राउंड राउंड हो गए हैं, जब ये पकने लग जाते हैं तो ये अपने आकार में आ जाते हैं, लाइक बॉल बन जाते हैं। ये कुटी हुई मिर्चे, काली मिर्चे का पाउडर और सॉल्ट, और ये थोड़ा सा चिकन मसाला डाला है ये वाला। तो बस इसमें नींबू पड़ना बाकी है, अभी नींबू पड़ेगा इसमें अभी। ये देखो मेरे प्रॉन पक गए हैं, मशरूम भी पक गए हैं, सब पक गया है। थोड़ा सा लास्ट में मैंने इसमें मैगी मसाला ऐड कर दिया, नींबू भी डाल ही चुकी हूँ। तो ये बहुत टेस्टी हैं, मतलब ये तो ये खाएगी तो यही बताएगी कैसे बने। और ये नहीं गले, ये नहीं दिखा मैंने। हाँ ये देखो दोस्तों प्रॉन भी गल चुके हैं, दिख रहा है। तो यहाँ बिग बॉस भी चल रहा है, वहाँ मैं खाना चढ़ा के आ चुकी हूँ। ये देख लो साजिद खान निकल गए हैं बिग बॉस से। तो ये कौन है? अरे ये मेरठ का प्राणी है, जो बहुत रो रहा है, हंस भी रही है, रोती भी है, बाप रे। ये देखो दोस्तों इसका इससे भी पेट नहीं भरा प्रॉन से, वो भी थोड़े से थे। ये अभी चिकन बनाया, देख रहे हो। और यहाँ चल रहा है मेरा व्लॉग। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल। शॉपिंग में भी हो चुकी है, जब जब मैं अपने कपड़े वेयर करूंगी मैं आपको 100% बताऊंगी कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ। और शॉपिंग दिखाने में भी इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो मेरी नाइटी है भी मैं आज ही लेके आई हूँ, बट बहुत गर्म है कसम से। इसको पहन के इतना आराम मिला ना, जितना जो मैं कपड़े पहनी थी उसमें नहीं मिला उतना इसमें मिला। बहुत अच्छी नाइटी है। लव यू, बाय बाय।